हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आप ही के बहुत सारे आप जैसे ही फ्रेंड्स जो है हमारे वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इग्नू के बीएड के बारे में बताइए। इग्नू में जो है अब बीएड अगर हम करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे उसको फॉलो करें, एनसीटी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो अगर ना हो सर्टिफिकेट तो कैसे करें। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो लोग अब तक हमारे चैनल पे न्यू हैं या फिर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद से अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे चैनल पे, ये एक्चुअली मैं आप ही का चैनल है, इस चैनल पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड टेट सी टेट ये सारे जो जो भी रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं वो करवाए जाते हैं। बीएड से रिलेटेड, बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड क्लासेस करवाए जाते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास अभी चल रहे हैं, सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट क्लास की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके भी क्लासेस के बारे में हम सोच रहे हैं। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का वीडियो जो हमारा है कि इग्नू में अगर इग्नू से अगर हम बीएड करते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो कि हम कैसे फुलफिल करें वो बताएं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इग्नू से अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 50% आपका जो है वो ग्रेजुएशन में चाहिए, ये एक है। 55% जो है अगर आप मास्टर से कर रहे हैं तो उसमें चाहिए, दोनों में से कोई ये क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% और मास्टर में या तो मास्टर में 55%। इसके बाद आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं। इसके साथ एक और टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको एनसीटीई से का ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट भी देना होता है कि वो दे सकते हैं, या फिर ये देखिए ये एक है, या फिर जो सेकेंड आपका ऑप्शन ये है कि आप सर्विस टीचर ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एनसीटी वाले तो सारे स्टूडेंट्स के पास वो सर्टिफिकेट होना मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो होगा ही और होता भी नहीं है। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक बहुत आसान और इजी वे ये है, सीबीएसई एफिलिएटेड किसी भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल जो प्राइवेट का ही है, ये नहीं है कि आप किसी और स्कूल मतलब जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जो एफिलिएटेड नहीं है उनसे आप नहीं बना सकते हैं, जो एफिलिएटेड है उनसे आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है कि आपने वहां पे एज अ टीचर, एज अ ट्रेनी वहां पे आप लोगों ने काम किया है और 2 साल का सर्टिफिकेट बना करके इग्नू में दे सकते हैं, या प्रेजेंटली भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं ये भी आप दे सकते हैं कि आप प्रेजेंटली भी उसी स्कूल में जो है पढ़ा रहे हैं, तब आप इग्नू में बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ईजी है क्योंकि एनसीटी का जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो सबके पास नहीं अवेलेबल है, इसलिए ये सेकेंड वे है कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से एक सर्टिफिकेट बना लीजिए, या फिर आप वहां पे जो काम कर रहे हैं तो वहां पे काम कीजिए और एक सर्टिफिकेट वहां से निकलवा लीजिए प्रिंसिपल से, और वो ले जाकर के आप वहां जमा कर सकते हैं इग्नू में एज अ डॉक्यूमेंट, और फिर आपका एडमिशन इग्नू में पॉसिबल है बीएड। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपके मन में तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे www.catlistsoni.com पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बोलूंगी कि टेलीग्राम लिंक जो है वो दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए क्योंकि वहां पे आपका जो भी प्रॉब्लम होगा या मेटेरियल जो भी जाता है हमारा उसी पे जाता है। जो क्लासेस बीएड फर्स्ट ईयर के स्टार्ट हो गए हैं तो सारे मेटेरियल आपको वहीं पे मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। Till then friends, have a nice day.